हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। फरवरी 2024 में महज 20 करोड़ के बजट को लेकर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम है मंजूमर बॉयज। उसको चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, दोनों तरह की ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। और पसंद करने के बाद उसका जो एक नतीजा रहा वो ये रहा कि मंजूमर बॉयज अब तक आप बोल सकते हो एक मलयालम ऐसी पहली मूवी बनी है जिसने कि ये आंकड़ा पार किया है। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूज अगर बात करें तो, मतलब जो मेरे को पता लगा वो बता रहा हूँ। अब अगर हम एक आंकड़ों की बात करें, जैसे कि मान लीजिए 20 करोड़ के आसपास के बजट की ये मूवी जो कि 200 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करके बैठ गई है और ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा सराहा, लेकिन इसके एक ना को प्रोड्यूसर थे जिन्होंने लगभग 7 करोड़ के आसपास का इसमें इन्वेस्ट किया था और उनका जो शेयर था वो 40% आना था उनके पास मूवी की अगर जो रिकवरी होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि मूवी अगर कमाई अच्छी करती है तो। अभी क्या है, मेकर्स ने जो और मेकर्स थे मूवी के, उन्होंने क्या करा, उनके साथ थोड़ा धोखाधड़ी करी या कुछ भी है, उन्होंने जो सीधा है केस ठोक दिया मंजूमर जो बॉयज़ के और जो मेकर्स थे उनके ऊपर। जो जज थे, मे बी सुनील सर है वो जो जज हैं, उन्होंने मंजूमर बॉयज़ के जो और वो थे मेकर्स, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करने का आदेश दे दिया है और उन्होंने बोला है कि जो आपका सौदा तय हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको मूवी का जो 40% है वो इस बंदे को देना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो मंजूमर बॉयज़ के जो मेकर्स हैं वो अभी इस टाइम पर बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका जितना भी पैसा है वो सारा का सारा अकाउंट में पड़ा हुआ है और जो अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे कर दिए गए हैं फ्रीज, क्योंकि उनके अगेंस्ट कर दी गई है FIR उनका जो एक को प्रोड्यूसर था उनके द्वारा। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।